फीमेल, अभी ये वाली जो फीमेल है गाइस वो यहाँ बैठी हुई थी और इनका अंडा यहाँ रखा। मेरे से ट्रेन हो चुके हैं, ये देखो भाई कितने भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि भाई आप सही भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल पर आज ही वीडियो डाला था जिसमें गाइस मैंने अपना सेटअप उठा के यहाँ से ऊपर भेज दिया था, तो वीडियो तो आपने देख लिया होगा। और मुर्गा मुर्गी के सेटअप को गाइस मैंने जो वहाँ था उसको यहाँ कर दिया था, और जो मेरा एक और लॉफ्ट था उसको अभी गाइस मैंने उसके अंदर रख दिया था, जो कि गाइस मैंने अपने ब्लॉगिंग चैनल पे सभी कुछ बताया है, तो आप जाकर गाइस देख सकते हैं, उसमें मैंने सब कुछ बता ही दिया था। और आज है गाइस संडे, और कल का वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि साफ सफाई में लगे थे, पूरा लॉफ्ट वगैरह हटा रहे थे, तो मैंने दूसरे चैनल के लिए वीडियो बना ली थी। और आज की इस वीडियो में गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया है गाइस दो दिन के बाद अपन अपने कबूतरों को नए लॉफ्ट से खोलेंगे और बाहर खोल के देखते हैं कि भाई उनकी अभी थोड़ी बहुत आदत लगी ना लगी, नहीं या लगी या नहीं लगी। और गाइस देख सकते हो अभी आंगन भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस हो गई है और काफ़ी साफ भी लग रहा है। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में अपन अपने कबूतरों को खोलते हैं। और मेन चीज़ जो है गाइस आज की इस वीडियो में मैं सोच रहा था कि भाई लाइट भी लग जाए तो अच्छा रहेगा लॉफ्ट में, तो कोशिश करेंगे गाइस आज की इस वीडियो में अपन लाइट वगैरह मतलब ट्यूबलाइट भी लगाना है, ताकि रात में कबूतर एक दूसरे की पेटी में ना घुसें। और अभी तो टेम्प्ररी गाइस हमने ये कवर कर दिया था कि हवा ना लगे, अभी इसके लिए भी कुछ लाना है कि भाई अपन तिरपाल वगैरह ये जो भी कुछ लाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि सर्दी से बचाने को अपन ने मतलब अपन क्या करेंगे, ठीक है। और बाकी लॉफ्ट को इधर रख दिया था और पेटियाँ अभी कुछ जमाई नहीं थी, कुछ जमा नहीं थी, ये देखो इधर भी कवर करा हुआ है। तो कबूतर क्या है रात में इधर उधर पेटियों में घुस के लड़ते हैं, तो दो दिन से गाइस हम सेम ऐसे ही कर रहे हैं। और इस ये करके लाइट भी बंद कर देते हैं, इससे दो फायदे हैं, एक तो कबूतर दूसरे की पेटियों में नहीं घुसेगा, ठीक है भाई, और दूसरा फायदा यह है कि कबूतर को भाई सर्दी भी नहीं लगेगी। जब तक हमने भाई लॉफ्ट को बाहर से कवर नहीं किया तो हमने सोचा भाई पेटियों को ही कवर कर देते हैं कि भाई कबूतर कम से कम अपनी पेटी में गर्मी तो बनी रहेगी। और उसी के साथ गाइस हमने कुछ कबूतरों को इसमें बंद कर दिया था, क्योंकि अभी मैं आपको खोल के बताता हूँ। आओ, इसमें मेरे हिसाब से शायद पट्ठे ही हैं, मैंने अपने दो पट्ठों को बंद किया था, एक तो येलो है और एक ग्रे बार है, ठीक है भाई। और उसी के साथ इसमें भी कबूतर बंद है, ये कैसे खुलेगा? तो गाइस ये देखो इसमें भी अपनी ब्लैक और ये वाले बंद है, तो ये तो हटाओ, ये सब तो हटाओ, क्या ग्रेन ईटर? तो भाई इसको अभी बाहर करो, काफ़ी स्पेस घेरा हुआ है। तो गाइस क्या है, कल साफ सफाई में ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमने इसमें ही रख दिया था, पेटी वगैरह, क्योंकि मम्मी कह रही थी जल्दी जल्दी अपना सपना सामान हटा लो, मतलब साइड में कर लो। तो हमने क्या किया था, रात में ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने क्या किया था, अपना ये सारा सामान अभी लॉफ्ट के अंदर रख दिया था, तो इसको भी अभी सही से जमाएंगे और ठिकाने लगाएंगे कहाँ कहाँ क्या क्या रखना है। और बाकी देख सकते हो सभी कबूतरों को यार अब मैं खोलने वाला हूँ, एक एक करके इनको हटाना पड़ेगा। और आज तो यार कबूतर भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि पूरे दो दिन के बाद गाइस कबूतर भाई बाहर खुलने वाले हैं, वो भी नए लॉफ्ट से। तो 1 2 3 ये देख सकते हो गाइस जैसा जैसा रखा था रात में सब वैसे वैसे सेट हो चुके हैं। और बाकी आप लोग खुद ही देख सकते हो, तो सबसे पहले तो मैं बाहर आ जाता हूँ और कबूतरों को भी बाहर लाने की कोशिश करता हूँ। आओ, तो भाई देख सकते हो कुछ कबूतर अभी मतलब सोच रहे हैं, कंफ्यूज है कि भाई आना है नहीं आना, तो धीरे धीरे इनको देख के आएंगे। ये देखो आओ, खोल रहा हूँ, ये तो आ जाए। और वैसे चूज़ों को भी हमने रात में अंदर ही शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि बाहर अब कुछ बचा ही नहीं है ऐसा कि चूज़े वगैरह को रख सकें। तो माशाल्लाह से देख सकते हो गाइस न्यू लॉफ्ट से कबूतर बाहर आ चुके हैं, लगभग सारे ही आ गए हैं, और अब कितने से लगना है शायद अंदर और हैं, अच्छा अभी और हैं, अच्छा अभी तो बहुत हैं यार अंदर। तो भाई सबसे पहले यार अब से मैं सोच रहा हूँ चूजों को भी खोल देता हूँ, रुको 1 2 3 आ जा, आओ तुम भी आओ, ये देखो गाइस बिल्कुल जैसे कि मेरे से ट्रेन हो चुके हैं, ये देखो भाई कितने भाई। दो चीजें और बची हैं जिनको यार अभी खोलना बाकी है, अब आप बोलोगे क्या,
तो मैं वो भी दिखाता हूँ। देखो एक तो भाई ये रहा मेरा मुखी, येलो मुखी भट्टा, इसको भी यार अब आदत करनी है बाहर। चलो बेटा चलो चलो, पेटी में तो जाने लगा है, मेरे हिसाब से इसको बाहर भी जाना चाहिए। चले आप, ये देखो गाइस, तो ये भी गया और सेंटीनेट भी ले आऊँ। तो गाइस भाई कह रहा है सेंटीनेट को भी लिया, तो इसको भी ले आते हैं। पर एक दिन तो ये भाई वो दिन भर भूखा रहा, सुस्त भी था, तो कबूतर भी दाना नहीं दे रहे थे। मैंने भाई फिर इसको थोड़ी सी मेडिसिन दी, अगले दिन ये सही हुआ और भाई दाना मांग रहा था। और फिर इसके बाप माँ, उसकी माँ और बाप ने भाई इसको भराया दाना, उसके बाद से गाइस ये काफ़ी बेटर है। तो देख सकते हो पानी का भी मैंने बदल दिया है, ये भी मैंने बता दिया था कोई नए लॉफ्ट है तो यार नई चीज़ें ज़्यादा बेहतर लगेंगी। तो देख सकते हो माशाल्लाह से सभी कबूतर खुले कितने खुश हैं, अलग ही दिख रहे हैं, गुटक रहे हैं, कोई मतलब पूरे कबूतर अब रिलैक्स हो चुके हैं फाइनली। और ये हटा देना यार ये चटाई वगैरह। तो गाइस अभी भाई इनको दाना पानी करते हैं और उसके बाद नए लॉफ्ट में अपन ट्यूबलाइट की कुछ देखते हैं कि भाई ट्यूबलाइट कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो वो सब कुछ अभी मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। जब तक इनको भाई दाना वगैरह कर देते हैं। अभी मैं लेकर आया हूँ भाई मार्केट से ये ग्रीन वाली नेट, जो कि भाई हम लगाएंगे इस साइड। और ये रेट मतलब इसका मैं प्राइस भी आपको बता देता हूँ जितने की अभी मैं लाया, तो भाई 180 रुपए की 10 फीट बोल रहे थे, 7 फीट ऊंची होती है। तो मैंने कहा भाई कुछ कम करो, तो उन्होंने कहा भाई 150 रुपये मैं आपको दे दूंगा। तो गाइस 150 रुपये की मैं 10 फीट ये लेकर आया हूँ। तो अभी भाई शाम भी हो चुकी है और सुबह से इसलिए काम नहीं हो पाया क्योंकि जिन भाई से बोला था लाइट फिटिंग का, तो वो तो भाई अभी आए नहीं हैं। और दूसरी चीज़ यार, प्रकाश भाई के यहाँ गए थे, भाई भी ने भी वीडियो बनाई है एक सिल्वर वाला मेल उठाने वापस, तो इसलिए हम गाइस काफ़ी लेट आए वहाँ से। और उसके बाद गाइस अब लगभग शाम ही होने को है, 4:30 हो रहा है और अभी हम नेट ले आए हैं। तो गाइस अभी भाई करते हैं अपन काम चालू, इस नेट को गाइस मैं इधर पूरे में लगा दूंगा। और इस साइड के लिए गाइस इसलिए नहीं लाया, भाई कह रहा था यार अपने पास इतनी सारी तिरपाल वाली पन्नी है, ये देखो गाइस, तो इसको गाइस अपन उस इस साइड लगा देंगे और सामने एक ग्रीन नेट लगाते हैं और फिर देखते हैं गाइस अपना लॉफ्ट ग्रीन नेट लगाने के बाद कैसा लग रहा है। देख सकते हो इधर की भाई कवर कर दी है और इधर गेट है, तो भाई गेट खोलने के लिए थोड़ी बहुत जगह छोड़ेंगे, तो इसलिए अभी इसको रख दिया है। अभी भाई इसको काटना था तो हमने अभी काटा नहीं है, फिर काट के गेट में अलग फिट कर देंगे, बाकी वो सब तो गाइस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भाई अच्छे से बता दूंगा जब पूरी नेट अच्छे से टाइट हो जाएगी। अभी हमने ऑल पिन से देख सकते हो लगा दिया है और अभी बल्ब भी जल रहा है, अभी भाई ट्यूबलाइट वाले भाई भी नहीं आए जिनसे फिटिंग करवाना थी। और बाकी देख सकते हो लॉफ्ट अंदर से गाइस ये पूरा कवर हो चुका है इस ग्रीन नेट से, तो इससे भाई काफ़ी हवा रुकेगी भी और और कबूतर भी यार बाहर वाले को ऐसे नहीं देखेंगे। देखो जैसे कोई भी आता है ना तो गाइस इसे अच्छे नहीं लगते, मतलब कोई भी आता है ऐसे नॉर्मली कबूतर देखता है। अब इसमें क्या है, थोड़े बन रहेंगे और लॉफ्ट में खोल के दिखाने का मज़ा अलग ही आता है गाइस। जैसे आप भाई लॉफ्ट खोलो और फिर अंदर देखने को मिले कि भाई अंदर क्या क्या है, बाहर से सब दिख जाता है तो इतना मज़ा आता नहीं है। क्यों अंदर ही देने क्या लॉफ्ट में दाना? तो आज गाइस लेट भी भाई काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, आज भाई बहुत सारे काम थे तो थोड़ा लेट हो चुके हैं। तो भाई कह रहा है दाना अंदर ही देते हैं, अब इतने बड़े लॉफ्ट है तो यार उसका फ़ायदा भी तो उठाएंगे। तो चलो गाइस इन लॉफ्ट में अंदर दाना देते हैं और नीचे से भी अभी भाई नहीं कसी है, तो वो सब भी भाई मैं आपको कस के नेक्स्ट वीडियो में तो भाई इंशाल्लाह बता दूंगा जब ये अच्छे से टाइट हो जाएगी और ट्यूबलाइट लगाएंगे तो और अच्छी लाइट आएगी। अभी देखो वो बल्ब से इतना मज़ा नहीं आ रहा, देख सकते हो गाइस इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो ट्यूबलाइट लगने के बाद गाइस अलग ही मज़ा आएगा पूरे लॉफ्ट में। तो सोच रहे थे इस साइड फिट करें कि सामने रोशनी पड़े तो वीडियो में भी और आसानी हो। और बाकी ये भाई आज ले ही आया था, आपने देख ही लिया होगा वीडियो, देख लेना भाई की, भाई लोग काफ़ी भाई चैनल का नाम पूछते हैं, रूशान हसन चैनल का नाम है। तो ये वाला नल ले आया था भाई। और बाकी मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूँ, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दूँ, तुम जब तक दाना पानी तो कर दो, पानी तो रखा ही है। तो गाइज एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देता हूँ, न्यू लॉफ्ट में आते से ही एक बहुत प्यारा सरप्राइज़ और बहुत अच्छी गुड न्यूज़ हुई है। आप बोलोगे क्या? तो गाइज मैं अभी आपको दिखाता हूँ।
कि ये जो है ना, ये पिंक वाली फीमेल, उस वाले लॉफ्ट में इनने एक अंडा दिया था जो कि हमें हटाना पड़ा था, लॉफ्ट शिफ्ट कर रहे थे इसलिए। और आज गाइस इन्होंने यहाँ पर अंडा दिया है, मतलब गाइस लॉफ्ट के बीचों बीच एक हमारी इन पिंक फीमेल ने यहाँ पर लॉफ्ट के बीच में एक अंडा दिया। ये देखो अभी फीमेल, अभी ये वाली जो फीमेल है गाइस वो यहाँ बैठी हुई थी और इनका अंडा यहाँ रखा हुआ था, तो हम भाई समझ गए थे कि इन्हीं का अंडा होगा, इनके अलावा किसी का अंडा नहीं हो सकता। तो अभी तो यार मुश्किल है भाई ये अंडों पर बैठे, आप बोलोगे क्यों, तो इसका एक मेन रीज़न है कि कल या परसों ही गाइस ये शिफ्ट हुए हैं, अभी इनकी खुद की आदत हुई है बड़ी मुश्किल से इसमें जाने की, तो अंडा सेकना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपन ने भाई इनकी जगह पर रख दिया है, अब बैठ जाएंगे तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठे तो यार कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए गाइस मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि अपने न्यू लॉफ्ट में ब्रीडिंग प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई, ये तो बस इनने एक अंडा था जो कि पेट में रह गया था वो दिया है, बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपने नए लॉफ्ट में ब्रीडिंग प्रोग्रेस स्टार्ट हो, बाकी घोंसले सभी कबूतरों ने बना स्टार्ट कर दिए। बाकी आपको एक और चीज़ बताऊँ, अच्छी चीज़, इनको गाइस इन दोनों को मतलब इसको एक बड़ी पेटी रख देंगे और ये लोग काफ़ी लड़ना है, सबसे ज़्यादा ही लड़ना है, और इनको गाइस अभी इधर बैठ रहे थे तो मैं सोच रहा हूँ इधर एक फुल पेटी रख दूँ जिसमें ब्लैक रह लेंगे अच्छे से, और रेड और येलो के लिए एक बड़ी पेटी इधर रख देता हूँ, ये पेटियाँ इसीलिए हैं, तो इधर रख देंगे, और बाकी ये सिंगल हैं इनके लिए फीमेल लाना है तो देखा जाएगा इनके लिए कैसी फीमेल लाते हैं, और इसके लिए भाई को मेल लाना है तो भाई वो तो बता ही देगा जब भी लाएगा, और बाकी भाई के रहा मिल ही नहीं रहा, तो बाकी यही कुछ बताना था, और जल्दी ये भी अंडे देंगी, इनका भी घोंसला बना रेडी है, इन्होंने भी बना लिया, तो जैसे ही गाइस मैंने घास पट की है सभी घोंसला बना रहे हैं, और चलो भाई सभी कबूतरों को भाई दाना वगैरह भी कर देते हैं, दाना पानी कर देते हैं, और मुर्गा मुर्गी बंद कर देते यार, हम अपने चूजे भी खोल देते, चूजे भी अंदर ही खोल लूँ क्या बताओ, चूजे भी अंदर ही खोल लूँ, गेट लगा दो, नहीं तो बाहर तो मुर्गा मुर्गी उनको मार सकते हैं, तो भाई अभी मैं चूजों को भी यार खोल लेता हूँ, वो भी बेचारे सुबह से ही बंद हैं, जब सुबह मैंने कबूतर खोले थे जब ही खोला था उसके बाद अब खोलूँगा, आओ 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 आओ, तो दाना खाने तो लगे, ये देखो भाई तो मुर्गों को जब तक बंद नहीं करोगे मैं बाहर आने ही नहीं दूंगा इनको, चलो अरे नीचे उतरो ना जाओ, तो गाइस देख सकते हो यार चूजों को भी खोल दिया है, और बाकी सभी कबूतरों को जैसे ही दाना डालेंगे सभी नीचे आएंगे, और कल से गाइस इनको डेली ही बाहर खोलने की आदत करेंगे, आज सुबह खोले थे फर्स्ट टाइम और अब से गाइस मतलब डेली खोलेंगे, अभी मुर्गे खुले थे इसलिए हमने नहीं खोले थे, बाकी भाई से बोल देता हूँ जल्दी से मुर्गे बंद कर दे, तो उसके बाद अपन फिर इन चूज़ों को भी बाहर कर देते हैं, बाहर क्या है इनको जो कुछ मिलता है गाइस वो आसानी से मिट्टी में से खोद खाद के खा लेते हैं, इधर ऐसा कुछ है नहीं कि भाई वो खाएं, तो बाकी तो यार मैं अभी मुर्गा मुर्गी बंद करके आता हूँ फिर अपन करेंगे कबूतरों को दाना पानी, मुर्गों को कर दिया है बंद, अब यार जल्दी से चूज़ों को खोल देते हैं, ये देखना आ जाओ ये देखो गाइस, तो भाई यही इनको चाहिए, यही खुलापन पूरा, और यही भाई वो खाना खा लेंगे, और बाकी यार कबूतरों को भी यार दाना डाल देते हैं, आज भाई देख सकते हो धीरे धीरे अब सभी कबूतर भी आ रहे हैं, तो अब ये भी दाना वगैरह खा लेंगे, और बाकी फिर इनको बंद तो करना नहीं है क्योंकि भाई वो खा पी के खुद अपनी अपनी जगहों पर खुद ही भाई चले जाएंगे। तो भाई ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने सोचा था यार आज की इस वीडियो में भाई ट्यूबलाइट भी लग जाएगी, इसको भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन भाई हम लोग सुबह प्रकाश भाई के यहाँ चले गए थे, वहाँ से फिर बड़े प्रकाश भाई के यहाँ चले गए, तो 2-2:30 बजे आए, उसके बाद गए फिर शाम, जल्दी इतनी जल्दी हो जाती है पता ही नहीं चलता, तो यार आज काफ़ी लेट हो गया, तो आज ज़्यादा काम तो कर नहीं पाए, लेकिन गाइस फिर भी लगभग नेट वगैरह ले आए थे और नेट वगैरह लगा दी है, बाकी ओवर टाइट हम अच्छे से लगा देंगे, और उसके बाद गाइस ट्यूबलाइट का काम बचेगा तो वो भी इंशाल्लाह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये तो थी आज गाइस आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसी और वीडियोज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।